नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब ब्यूरो से मैं सोनू। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। किसान संगठनों की इस अपील का असर पूरे भारत में देखा जा रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में बड़े विपक्षी दल भी आ गए हैं। कांग्रेस शासित पंजाब में भारत बंद के मद्देनजर पंजाब में अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं लुधियाना के डंडारी खुर्द में जीटी रोड पर किसानों द्वारा बंद किया गया। वहीं किसानों के समर्थन में वार्ड 28 पार्षद टोना गर्चा पहुंचे, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल समाज के नेताओं ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया। इस बंद के मद्देनज़र जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था, जिसमें फोकल पॉइंट थाना SHO देवेंद्र शर्मा मौजूद रहे। दिल्ली रोड है, यहाँ पे जाम करने के लिए पूरे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से है। पूरे रोड को बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। इसी में हमारे साथ मौजूद है वार्ड 28 के काउंसलर साहब। आइए उनसे जानते हैं कि अगर आज धरने के बाद कल जो वार्ता होनी है उसके बाद अगला कदम क्या होगा। सब तो पहला थोड़ा धन्यवाद, इतने किसानों के धरने पहुंचे। जिहड़े ये 3 महीने तो साडे किसान वीर लगभग वक्त बार्डर के उत्ते वक्त एरिए धरने पर बैठे सीगे। जदों मोदी सरकार की कान ना खुले, उन्होंने आवाज़ ना सुनी, तो मजबूर हो गए किसानों दिल्ली जाना पाया, दिल्ली बार्डर के उत्ते जाना पाया। वो हूँ पूरे देश का किसान जागरूक हो चुका वा, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे बिहार का, चाहे बंगाल का, चाहे राजस्थान का, पूरे पंजाब के जोश में देख के पूरे स्टेटा के जोश आ गया। तो हूँ सारे ही मोढ़े ना मोढ़ा ला के किसानों का साथ दे रहे हैं। सर, क्या इसमें कोई राजनीति की बात है, अकाली दल चाहे कांग्रेस जो भी है? नहीं नहीं, इस टाइम कोई राजनीति नहीं, कोई अकाली नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कुछ नहीं हैगा। सिर्फ तो सिर्फ एक किसान दे झंडे हेठा सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं हैगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धरना पूरा जोर शोर से है, कल सरकार के साथ और किसानों की वार्ता भी है, अगर ये सफल नहीं होती है तो अगला प्रदर्शन क्या होगा, जो कार्रवाई क्या होगी किसानों के द्वारा? देखो, पहली तो गल इन्हों पहला ही मन जाना चाहिए सीगा, क्योंकि बारी बारी मीटिंगा बुला बुला के मोदी आप तो आता नहीं है मीटिंग दे, क्यों नहीं आप आता है जनता के किसान जथेबंदियों में आप आ के बैठे गलबात करे। अगर कल की मीटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आने वाले दिनों ये सिटे भयानक निकलेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारी सेंटर सरकार की होगी। हमारे साथ अभी पुलिस लाइन से मौजूदा पुलिस मुलाजम मौजूद है टंडारी पुल के साथ में, जहाँ पे किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके बारे में हम सबसे जानेंगे कि क्या कुछ किसानों के द्वारा पीसफुल किया जा रहा है, किस तरह का मतलब धरना प्रदर्शन किया गया है? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल पीसफुल चल रहा है। बाकी जी हदायत गवर्नमेंट का किसान तरफों या अपने अफसर वालों तरफों आई हदायतों की पालना की जा रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसमें किस तरह की गाड़ियों को आने जाने के लिए कि जरूरी मतलब कौन सी जरूरी सुविधाएं हैं जिनको छूट दी गई है? जैसे हमारे को जैसे ऑफिसर साहब ने हमने बताया है, कोई बीमार हो, एम्बुलेंस वगैरह हो, जो ब्याह की गड्डी है या किसी भी कोई प्रॉब्लम हैगी है ना, जी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसान जाते होंगे है तो उन्होंने किसी तरह किसी भी जरूरी डेथ केस होया, ब्याह होया, या वैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको जाने देते। मैं ये पूछा था कि अगर आज जो धरना यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, किसान के बिल्कुल
किसान आंदोलन यह है। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज खास करके पंजाब पुलिस एक सरकार किसानों की भलाई की जगह किसानों की छोटी बात सारे पुलिस और इसे काला कानून भी कहना हमको लगता है काले शब्द का अपमान। यह तो नाजी कानून। धन्यवाद कर दिया। अंग्रेजी सल्तनत के समय हमने सुना था कि 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किसानों को लूट करके और राजतंत्र खाता था। भारत में 1779 की वो नाजी सरकार आई। मोदी शायद भूल गए हैं कि जन्मदाता और अन्नदाता का अपमान किसी इंसान के वजूद को बचने नहीं देता। औलाद अपने जन्मदाता को भूल जाए और जो सरकार देश के अन्नदाता को भूल जाए, ये समझ में नहीं आता। आपके प्रेस के बंधुओं से कहना चाहूंगा, ये आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान में एक सुनामी है। मोदी जी को शायद ये आभास ही नहीं है कि आ जाकर ट्रेनें चलती तो आज दिल्ली में तिल फेंकने का तिनका फेंकने की जगह नहीं बचती। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली में आकर के शायद कब का दिल्ली घेर लिया होगा। मैं आज एक जो एक दिन का बंद का आह्वान हुआ है किसान आंदोलन के समर्थन में, एक पूर्वांचल संस्था का अध्यक्ष होने के नाते, एक किसान और का बेटा होने के नाते, और लुधियाना में एक मजदूर होने के नाते मैं इसके समर्थन में हूँ। अपने साथियों के साथ कांग्रेस के प्रवासी सेल के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय, हमारे रणविजय यादव शिवसेना के प्रदेश महासचिव, हमारे जो है रजीव रवि सिंह और तमाम मजदूर। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, कल एक वार्ता की तिथि रखी गई है केंद्र सरकार द्वारा। आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि कल की वार्ता अगर विफल रही तो आपके माध्यम से निवेदन है कि सौगंध उन मजदूरों को जिनकी थाली में रोटी है, उस रोटी की कसम खाना। और तब तक लुधियाने में अब इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी जब तक किसानों के खिलाफ बनाया गया ये कानून वापस नहीं हो जाता। अब संशोधन की बात नहीं है। मैं अपने समस्त साथियों के साथ लुधियाना में रहने वाले इंडस्ट्रियल मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रेड़ी फड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले तमाम पूर्वांचली भाइयों माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो रोटी तुम्हारी थाली में है उस रोटी की कसम खाओ। अगर किसानों के खिलाफ बनाया गया ये कानून वापस नहीं होता तो ये बंद तो एक नजारा है। आगे हम तब तक काम पर नहीं जाएंगे, इंडस्ट्रियां नहीं चलने देंगे जब तक यह काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। हम आज अपने समस्त पूर्वांचल समाज, समस्त मजदूर समाज की तरफ से इस बंद के समर्थन में हैं। और मोदी जी तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बड़ा भरोसा किया था इस हिंदुस्तान ने तुम पर, लेकिन ये भी सच है ना, जान भी जान दिया था, जान दे जिसने कभी कीचड़ में पैर नहीं डाला वो किसान का दर्द क्या जाने, बांझ क्या जाने पीठ पर आई, जिसने औलाद नहीं जन्मा वो औलादों का दर्द क्या जाने। लेकिन हिंदुस्तान के सेवादार बनने वाले मोदी जी, चौकीदार बनने वाले मोदी जी, अब आपके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। पर मोदी दे कान दे कोई किसानों का अपमान एक आंदोलन है। और जैसा आपने देखा भी कि विश्व की मीडिया कह रही है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इतना बड़ा आंदोलन नहीं, ये बहुत विशाल आंदोलन है। और अगर मोदी जी और उनके सिपा सालारों को ये नहीं पता लग रहा है कि इस आंदोलन का असर क्या होने वाला है, किसान अपना उत्पादन रोक देगा, कोरोना से तो बच भी गए हैं, रूखी सूखी खा करके रोटियां नहीं खाली तक पहुंचेगी, क्या होगा। बस आप लोगों के माध्यम से
मैं मीडिया का आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इन चीजों को प्रसारित करने के लिए हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश किए। और फिर से एक बार आपके माध्यम से विनती करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ मजदूर वर्ग से, हर आदमी के थाली में रोटी होती है। किसान जब अपना खून निकाल कर धरती का मांग सजाता है तब धरती लहलाती है दुल्हन की तरह। किसान का पसीना खून बन के जमीन में गिरता है और हम सब किसान के बेटे हैं। जो रोटी आप सुबह या शाम अपनी थाली में अपने को डालते हो, अपने बच्चों को डालते हो, उस रोटी की सौगंध अगर किसानों के हित में फैसला केंद्र सरकार नहीं करती है तो आप इस आंदोलन के समर्थन में कारखानों में काम करना बंद कर दें। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर, जय पूर्वांचल।